Hello guys, today I'm telling you Fino Payment Bank users big update. Dear friends, अगर आप Fino Payment Bank का CSP use करते हैं और आपको इस बारे में पता नहीं है तो आपको जरूर पता होना चाहिए क्योंकि नया अपडेट है जो बहुत ही खास है. Dear friends, इस खास बात को जानने के लिए वीडियो को आपको एंड तक देखना होगा और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज अभी तक अगर मेरे चैनल में सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो आपको बेल आइकन है उसे भी अलाउ कर दीजिए. सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या वो खास अपडेट है. यानी Fino Payment Bank में जब पहले हम अकाउंट ओपनिंग करते थे तो उसमें सिर्फ 3 या 4 आपका अकाउंट टाइप था. यानी सबसे पहले आप टर्म सेविंग अकाउंट, सुपर सेविंग अकाउंट, आपका इस तरह से आपका 3-4 अकाउंट था. तो उसमें क्या होता था कि आप किसी भी माइनर का जो अकाउंट वो ओपनिंग कर नहीं पाते थे. जी हाँ फ्रेंड्स, किसी माइनर का अकाउंट आप ओपनिंग कर नहीं पाते थे. इससे क्या होता था, आप किसी भी माइनर कस्टमर को आप रिटर्न कर देते थे, घुमा देते थे और आप इससे बहुत ही बिजनेस टाइप में बहुत ही आपका अनहेल्पफुल होते थे. क्योंकि किसी भी बैंक में अगर माइनर का अकाउंट नहीं होता है तो बहुत ही प्रॉब्लम होता है क्योंकि उसमें आपका जो स्कॉलरशिप का पैसा आता था बहुत कुछ आता था मगर उस सिस्टम का आप सुविधा नहीं दे पाते थे. यानी उसका सिस्टम का जो सुविधा है उसका जो उपलब्ध नहीं कर पाते थे. तो इसके लिए आपका जो CSP है उसमें बहुत ही घटा होता था. यानी आप उसको यूज नहीं कर पाते थे इसलिए कस्टमर आपका जो है बहुत ही कम होता था. मगर अभी जो फिलहाल ये अपडेट आया है कि भविष्य सेविंग अकाउंट, यानी जी हाँ फ्रेंड्स, आप किसी माइनर का अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं. जी हाँ फ्रेंड्स, आप किसी भी माइनर का अकाउंट ओपन कर सकते हैं. यानी जिसका जिसका एज 18 बिलो है, यानी आप किसी का अगर एज 18 साल से कम है आप उसका अकाउंट ओपनिंग कर सकते थे. मगर पहले जो था वो अकाउंट ओपनिंग का सिस्टम नहीं था. जी हाँ फ्रेंड्स, तो इसी के बारे में मैं आज आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कि एक्चुअल में ये सिस्टम्स है या नहीं. सो फ्रेंड्स, चलिए मैं चलता हूँ अपना कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको भी दिखाने वाला हूँ लाइव. सो फिर आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को प्लीज इन तक देखिएगा. अगर आप वीडियो को इन तक देखेंगे तभी आप इसके बारे में पता लगा पाएंगे. सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल में जो आपका बेल आइकन है उसे भी अलाउ कर दीजिएगा. तो प्लीज कीप वॉचिंग टिल एंड नाउ. सो लेट्स स्टार्ट. तो फ्रेंड्स, देखिए मैं आ चुका हूँ मेरा कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखिए मैं लॉगिन करके आ चुका हूँ. आने के बाद आपको जिस अकाउंट में अकाउंट ओपनिंग के जिस प्रोसेस है, आपका मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको सीधे सर्च बटन पे आपको डालना क्लिक करना है. क्लिक करने के बाद आपको जो देखिए अकाउंट ओपनिंग का जो प्रोसेस है वो खुल के आ जाएगा और आपको जो सिस्टम्स है वो देखिए ओपन अकाउंट है ना, इसमें इस तरह से प्रोसेस खुल के आ जाएगा. आपको इसी ओपन अकाउंट में आपको क्लिक कर लेना है. ठीक है, तो आपका जो अकाउंट्स है ठीक है उसमें आपको क्लिक कर लेना है. देखिए करने के बाद आपका जो अकाउंट ओपनिंग जो प्रोसेस है यानी कौन सा आपका अकाउंट्स है उसमें आपको देखिए सबसे पहले आपका जो अकाउंट्स आता है वो है आपका प्रथम सेविंग अकाउंट. ठीक है, उसके बाद आता है आपका सुपर सेविंग अकाउंट, सरल सेविंग अकाउंट, उसमें प्रगति करंट अकाउंट. ठीक है, जो इस तरह से आपका अकाउंट प्रोसेसिंग होता है. और फिर मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके जाऊँ तो बहुत सारा और भी जो अकाउंट्स है वो मेरे सामने ओपन हो जाएगा. देखिए सुपर सेविंग अकाउंट एंड सुविधा अकाउंट. तो जैसे कि इसी में आपका अकाउंट था भविष्य निधि अकाउंट, तो अभी उस अकाउंट जो है अभी फिलहाल अपडेट नहीं किया गया है क्योंकि मैं कल ही चेक किया था कि उसका अकाउंट जो है वो डिटेल्स जो अकाउंट्स है उसका अपडेट कर चुका है साइड में कि मगर अभी उसका अपडेट चल रहा है इसलिए उसको थोड़ा हटा दिया गया है. तो देखिए इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं जो नोटिफिकेशन है जो बैंक से जो नोटिफिकेशन दिया है फिनो बैंक से उसका मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ. तो देखिए इसमें बताया गया है कि फिनो पेमेंट्स बैंक जो है बताया गया कि आज की मेहनत बनेगी काल की पूंजी. तो इसी तरह से आपको बताया गया और आपको बताया गया कि सेविंग्स अकाउंट जो आपका सर्विसेज है वो भविष्य सेविंग्स अकाउंट, इसमें फिनो पेमेंट बैंक का जो सिस्टम्स एंड फीचर्स है उसमें बताया गया कि मंथली आपको इसमें जो एवरेज है वो आपको नील रखना यानी नील आपको रखेंगे तो चल जाएगा आपका. ठीक है, और देखिए फिनो पेमेंट बैंक भविष्य सेविंग्स अकाउंट्स विंग UPI एंड बेनिफिट्स, यानी आपको इसमें अकाउंट इस अकाउंट के थ्रू आप इजीली अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इसमें आपका बहुत ही सुविधा लाभ उठा पाएंगे और इसमें आपका जो सिस्टम्स है बहुत ही अच्छा है और किसी भी माइनर का अकाउंट अपने इजीली ओपन कर पाएंगे. और इसमें यानी इसका जो फीचर्स है इसमें आपका बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है
और इसमें आपको विदाउट डेबिट कार्ड अकाउंट ओपन को ये नहीं, इसमें आपका अपना जो नॉर्मल माइनॉरिटी का अकाउंट है उसमें आप एटीएम कार्ड दे नहीं पाएंगे, इसमें आपको सिर्फ अकाउंट ओपनिंग हो जाएगा और इस आपका जो कस्टमर से वो किसी भी ब्रांचेस में जाके आप इसका जो बेनिफिट्स है वो ले पाएंगे। ठीक है, और जैसे कि इसमें बहुत सारा जैसे कि मंथली एवरेज जो आपका मेंटेनेंस है वो नील है, और इसमें जैसे कि और भी जो इसमें आका अगर किसी कस्टमर्स का जो एवरेज जो इसका एटीएम कार्ड है तो उसका उसके लिए आप उसके लिए थोड़ा कस्टमर्स का जो आपका यानी 2 लाख का आपका इंश्योरेंस रहेगा, और अदर सीडिंग फैसिलिटी यानी किसी भी स्कॉलरशिप का अमाउंट इस अकाउंट में आ जाएगा, और मोबाइल बैंकिंग का जो फैसिलिटीज है वो भी इसमें मिल जाएगा। और ये यानी इसमें अगर सुविधा देखा जाए तो बहुत ही है, और इजीली आप इसमें अकाउंट को इजीली लाभ उठा पाएंगे और सीख पाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए छोटा सा वीडियो था, अगर आपको वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, और प्लीज़ अगर वीडियो को कैसा लगा आपको अच्छा लगा कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन को लाइक कमेंट्स करना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि रोजाना देखिए मैं आप लोगों के लिए इस तरह का बैंकिंग यानी बैंकिंग फाइनेंस एंड मोबाइल बैंकिंग एंड मोबाइल नेटवर्किंग कुछ भी सॉफ्टवेयर्स के बारे में किसी भी टेक्नोलॉजी टाइप किसी भी वीडियो से मैं अपलोडिंग करता रहता हूँ। तो सो फ्रेंड्स प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोट फॉर नेक्स्ट मोर वीडियोज। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।